दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि IIT रुड़की में कितना जो है गेट स्कोर रिक्वायरमेंट होता है, एडमिशन फ़ीस कितना लगता है, आप लेके जब अप्लाई करेंगे तो कितना फ़ीस लगता है, ठीक है। और जो है आपका जो है बात करेंगे कि कितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, तो इन्हीं सब पे चर्चा होगी। तो IIT इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो अपना रिलीज कर दिया IIT रुड़की, तो IIT रुड़की ने का जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च हो गया है 2023 और 24 कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अगर PDF चाहिए, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोग जो है खुद पढ़ लेना। टेलीग्राम पे अगर जो है आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप लोग ऐड होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाना। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर IIT रुड़की का हम चलते हैं। उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए कंटेंट में क्या क्या दिया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है 3 पेज पे आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड अगर कैंडिडेट है तब जनरल इन्फॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसर, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, मैटर एंड डिस्प्यूट, लैगिंग, इन सब की बात की गई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, MTech MArk यानी MTech की मैं बात करूँगा बेसिकली। तो एडमिशन कैटेगरीज में आपका जो है स्पॉन्सर्ड अंडर पोस्ट ग्रेजुएट यानी PGT स्कीम आर्म्ड फोर्सेस, मिनिमम एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है वही 60% आपका जो है जनरल के लिए होना चाहिए, 55% आपका जो है SC ST के केस में होना चाहिए, BTech में, ठीक है। तो आप लोग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी यही होना चाहिए, अगर आपको 60% नीचे है तो आप लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं इनके सब जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ब्रांच वाइज आपका दिया होगा केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में, और क्या कहते हैं कि मिनिमम परसेंटेज मैं बता ही दिया हूँ। उसी तरीके से आप लोग सब अपने अपने ब्रांच का देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी BTech होना चाहिए, 55% होना चाहिए, 60% होना चाहिए इनके साथ में जनरल, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है आप लोग देख सकते हैं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना आसानी से वीडियो वॉच करके। और उसके बाद जो है पेपर सभी ब्रांच का आप लोग फिजिक्स वगैरह देख लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिजास्टर माइटिगेशन एंड मैनेजमेंट आप लोग देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कन्वर्जन बताया है, ग्रेड पॉइंट को परसेंटेज में कैसे बदलें, उससे ज़्यादा नहीं मतलब, हाँ, इंपॉर्टेंट डेट में क्या क्या है कि आपका जो है पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कब से लॉन्च हुआ है, 13 मार्च से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज कब होगा, 30 जून को आपका जो है एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा। इंटरव्यू एंड रिटर्न अगर होता है, अगर इफ़ एनी अगर इंटरव्यू होता है तो मान लीजिए कि जून 27 को जो है आपका स्टार्ट होगा, 27 जून से 3 जुलाई के बीच में जो है आपका होगा, ठीक है, 27 जून से आपका जो है 3 जुलाई तक होगा, 27 जून से 3 जुलाई के बीच में आपका जो है होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 14 जुलाई को होगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर आप लोग देख लीजिएगा, PDF में आपका लिंक दिया हो, यहाँ से आप लोग एडमिशन प्रोसीजर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ लोग लिंक से आप लोग जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिशन, हाउ टू अप्लाई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जनरल जनरल चीज़ें जो मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे डेट हो गया, सब चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो नहीं तो पढ़ने बैठूँगा, 2-4 दिन इसी पढ़ने में ही लग जाएंगे। और उसके बाद जो है यस, एडमिशन प्रोसेस आप लोग जो है देख लीजिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं फ़ीस की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना था। तो इस लिंक पे क्लिक करना, सॉरी, तो फिर चलते हैं, बात करते हैं कि IIT जो है उसमें कितना फ़ीस पड़ता है। IIT रुड़की में आप लोग फ़ीस देख सकते हैं कि IIT रुड़की में फ़ीस करना पड़ता है। ट्यूशन फ़ीस आप लोग जनरल के लिए आप लोग देख लीजिए, 5,000 आपका ट्यूशन फ़ीस है, ठीक है। ट्यूशन फ़ीस जनरल के लिए 5,000 है, ट्यूशन फ़ीस SC ST के लिए 0 हो गया है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकेंड सेमेस्टर है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो आपका जो है थर्ड है, फोर्थ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, ये सेकेंड की बात है, ये थर्ड की बात है, ये फोर्थ की बात है, ठीक है। सेमेस्टर चार्जेज, स्टूडेंट इस्टेब्लिश मेंटेनेंस चार्जेस 7,000 आपका सेमेस्टर चार्जेज है। हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर की बात किया जाएगा तो 6,000-9,000 आपका जो है एक सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 9,000, तीसरे सेमेस्टर में 9,000 पड़ेगा। मेस चार्ज में अगर आप लोग देखेंगे
तो आपका वन टाइम पेमेंट फीस आप लोग एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन आपका 2-3 हज़ार ये पड़ेगा इस, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 0000000, मिस चार्जेज में आपका 20,400, 20,400 हर सेमेस्टर पड़ेगा, 20,400 रुपये मिस चार्जेज है। मिस सिक्योरिटी जो कि 2,000 पड़ेगा फर्स्ट टाइम पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रिफंड हो जाएगा। वन टाइम एडमिशन फीस आपका ये पड़ेगा, ये पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ में आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ में अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लो कट ऑफ पे आपका जो है लो गेट स्कोर है। अगर मान लीजिए कि आप कुल जनरल से अगर बिलोंग करते हैं तो 600 से ऊपर अगर आपका गेट स्कोर है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। 600 या फिर 500 से ऊपर है तो आप लोग अप्लाई कर देना। 500 से ऊपर है अगर आपका तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 500 गेट स्कोर आपका अगर है, मान लीजिए कि इनकेस आप अगर मान लीजिए कि मैं इसकी खास करके मैकेनिकल सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका CSIT है तो मान लीजिए 600, मान लीजिए 600 गेट स्कोर होना ही चाहिए तब जो है आप लोग अप्लाई करना। तो लो कट ऑफ पे आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे लो गेट स्कोर है तब भी आप लोग अप्लाई कर देना, आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी माल क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करना, मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, वहाँ से PDF वगैरह पढ़ लेना।